Hello students, today we are going to start the series of labor law. Firstly, we are going to start with the unit 1, that is the Minimum Wages Act 1948. We are going to start with the first topic of this unit, that is the concept of minimum wage, fair wage and living wages. So let's start. So the Minimum Wages Act 1948. So ye act laya gaya tha taki जो एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स की और लेबर्स की उसको रोका जा सके. ठीक है, क्या होता था पहले कि वर्कर्स से काम कराते थे, वो पूरा दिन काम कराते थे, 12 आवर्स 10 आवर्स, और उनको बहुत ही कम वेजेस देते थे. सो ताकि लेबर्स की एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके तो मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया. ओके, तो इस एक्ट के अंदर फिक्स कर दी गई वेजेस, मिनिमम वेजेस, कि एटलीस्ट आपको मिनिमम इतने वेजेस तो देना ही पड़ेगा अपने वर्कर को. सो इस एक्ट में तीन तरीके की वेजेस के बारे में बात की गई है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी हैं वो हैं, फर्स्टली द मिनिमम वेज, सेकेंडली फेयर वेज एंड थर्ड इज द लिविंग वेज. सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिमम वेज क्या होता है. मिनिमम वेज इज़ द मिनिमम, बेसिक, नेम से ही पता चल रहा होगा कि बेसिक, कम से कम इतनी तो वेजेस आपको उस वर्कर को देनी ही पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. और ये मिनिमम वेजेस फिक्स कौन करेगा, ये मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स अलग अलग तरीके की होती हैं. किसी किसी में एम्प्लॉयमेंट्स में पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डिसाइड द वेजेस, एंड किसी किसी में स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है. सो मिनिमम वेज एक बेसिक वेज भी आप कह सकते हैं. इसके अंदर जो बेसिक नीड्स होती हैं उस वर्कर की, वो इस वेज से फुलफिल हो जाती है. बेसिक नीड्स मतलब फूड, शेल्टर और क्लोथ्स. मिनिमम वेजेस कम से कम इतनी फिक्स की जानी चाहिए ताकि उस वर्कर की जो बेसिक नीड्स हैं कम से कम वो फिल हो जाएं. और बेसिक नीड्स क्या होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. सो कम से कम मिनिमम वेजेस तो हर वर्कर को मिलनी ही चाहिए ताकि उसकी बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट फुलफिल हो सके. सो दिस इज द मिनिमम वेज. ठीक है, तो अब हम मिनिमम वेजेस का एक केस लॉ देखते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी रिगार्डिंग व्हाट आर मिनिमम वेजेस. और ओके, सो द केस लॉ इज कमानी मेटल्स एंड अलॉयज वर्सेस वर्कमैन. ये एक 1967 का केस था एंड इसमें मिनिमम वेजेस के प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया गया. तो पहला प्रिंसिपल इसमें ये था कि द मिनिमम वेजेस शुड बी पेड टू द एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय. तो फ़र्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉयर को कोई प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, बट एम्प्लॉयर को मिनिमम वेजेस देना ही पड़ेगा उसके एम्प्लॉय को. तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल जो इस केस में कहा गया. एंड द सेकंड प्रिंसिपल ये था कि जो वेजेस जो आप दोगे अपने एम्प्लॉय को, दे मस्ट बी फेयर. मिनिमम वेजेस तो दोगे ही दोगे, बट दे मस्ट बी फेयर. अब फेयर वेजेस क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे. इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयर को देने ही पड़ेंगे उसके हर एक एम्प्लॉय को इन एनी सिचुएशन. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि लिविंग वेजेस क्या होते हैं. मिनिमम वेजेस हमने देखा कि बेसिक नेसेसिटीज़ एटलीस्ट फुलफिल हो जाए उस लेबर की, उस वर्कर की, कपड़ा, रोटी और मकान की, दैट इज़ मिनिमम वेज. और लिविंग वेज क्या है, लिविंग वेज है वो बेसिक नीड्स, दैट इज़ फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, उतना तो उसे मिले, प्लस लिविंग वेजेस में उसको थोड़ा कम्फर्ट भी मिल जाता है, दैट इज़ एजुकेशन, हेल्थ एंड फ्यूचर सेविंग्स भी हो जाती हैं उसकी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. तो लिविंग वेज होता है बेसिक नीड्स प्लस सम कम्फर्ट. कम्फर्ट जैसे कि एजुकेशन के लिए, उसकी चाइल्ड के, उसकी हेल्थ और उसके फैमिली की हेल्थ के लिए, उसकी कुछ फ्यूचर सेविंग्स भी हो जाए और उसकी फैमिली सिक्योर्ड रहे, तो दैट इज़ लिविंग वेज. ओके,
नाउ लेट्स सी कि फेयर वेजेस क्या होते हैं. फेयर वेजेस मीन्स फेयर वेजेस आर बिटवीन मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज. दैट मीन्स कि मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा पर लिविंग वेज से कम, दैट इज़ फेयर वेजेस. और फेयर वेजेस को डिसाइड कौन करता है? फेयर वेजेस को गवर्नमेंट डिसाइड करती है. किस बेसिस पे? कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे. फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक एरिया का अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, तो एरिया टू एरिया डिफ़र करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग. फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई में आप देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हायर है, वेर एज़ बिहार में आप देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है. सो इस बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है फेयर वेजेस को. ओके, सो दिस इज़ योर फेयर वेजेस. अब हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए केस लॉ देखते हैं. केस लॉ 1975 का केस लॉ है जिसका नाम है संगम प्रेस वर्सेस वर्कमैन. तो कोर्ट ने कहा कि आप कंफ्यूज मत हो फेयर वेजेस और मिनिमम वेजेस के बीच में. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फेयर वेजेस एंड मिनिमम वेजेस. मिनिमम वेजेस तो एक एम्प्लॉय एक वर्कमैन को दिए ही जाते हैं, पर जो फेयर वेजेस हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे है और एम्प्लॉयर का बर्डन लेने की कैपेसिटी कितनी है और रीजन किस रीजन में है वो वर्कमैन, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग वही जो मैंने आपको बताया. तो ये कहा गया इस केस लॉ में. सो मैं आपको क्विकली समराइज करती हूँ. आज हमने तीन तरीके के वेजेस पढ़े, दैट आर द मिनिमम वेजेस, फेयर वेज एंड द लिविंग वेज. मिनिमम वेज मीन्स एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट किया है गवर्नमेंट ने कि इतना तो वेज हर एक वर्कर को मिलना ही मिलना चाहिए जिससे एटलीस्ट उसकी फूड शेल्टर एंड क्लॉथ्स की नीड फुलफिल हो जाए. उसके बाद देखा हमने लिविंग वेज. लिविंग वेज में आपका बेसिक नीड्स तो फुलफिल होंगी ही उस वर्कर की, साथ में उसको थोड़ा कम्फर्ट भी मिलेगा, फॉर से उसके चिल्ड्रन की एजुकेशन भी निकल जाएगी उन वेजेस में से, हेल्थ का खर्चा भी निकल जाएगा और कुछ उसकी फ्यूचर सेविंग भी हो जाएंगी. तो लिविंग वेजेस में वो एंड उसकी फैमिली सिक्योर्ड है. और फिर हमने देखा फेयर वेज. फेयर वेज है मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा बट लिविंग वेज से थोड़ा कम, जो कि डिटरमाइन होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को देख के, बर्डन लेने की कैपेसिटी को देख के एम्प्लॉयर की, और मेनली कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख के, क्योंकि हर एक एरिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है. नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक. आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑल्सो आप पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं वाइल वॉचिंग द वीडियो. इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.